सो नेक्स्ट टॉपिक इज बैंड नेचर ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम. सो बैंड नेचर ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम में वी विल सी कि यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब भी हम स्पेक्ट्रा नोट करते हैं तो दैट इज एक्चुअली लाइक अ बैंड. बैंड क्या होता है? लाइक दिस. पीक्स क्या होती हैं? लाइक दिस. और लाइन क्या होती है? लाइक दिस. सो इसे कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा. दीज आर नोन एज पीक्स. और इसको कहते हैं बैंड. सो जब भी हम यूवी स्टडीज परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आता है उसकी शेप इस तरह से होती है, बैंड की तरह. जब हम आईआर स्टडी करेंगे तो आप देखोगे आईआर में आती हैं पीक्स. पीक क्या होती है? शार्प पीक्स होती हैं. और जब हम करते हैं माइक्रोवेव तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास क्या आता है? लाइन स्पेक्ट्रा. नाउ रीजन, क्या रीजन है कि जो यूवी स्पेक्ट्रम है उसकी शेप इस तरह से बैंड लाइक होती है? उसका रीजन ये है कि जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, जिसको मैंने एन से शो किया है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर छोटे छोटे वाइब्रेशन लेवल होते हैं और हर वाइब्रेशनल लेवल के अंदर छोटे छोटे रोटेशनल लेवल्स होते हैं. सो इलेक्ट्रॉनिक लेवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद सिंबल एन, वाइब्रेशनल को विद वी एंड रोटेशनल को विद जे. तो यहाँ पे भी इसी तरह से आएंगे छोटे छोटे रोटेशनल लेवल रिप्रेजेंटेड विद सिंबल जे. इलेक्ट्रॉनिक लेवल जो सबसे ग्राउंड वाला होता है दैट इज गिवन एज नंबर वन. वो कभी भी आपको जीरो नहीं नजर आएगा. जबकि वाइब्रेशनल लेवल और रोटेशनल लेवल जो होते हैं उनकी नंबरिंग इस तरह से की जाती है दैट दे कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो. सो ये है हमारा एक इलेक्ट्रॉन. जैसे ही हमने इसको यूवी रेडिएशन दी तो इलेक्ट्रॉन जंप हुआ फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल टू हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल. अब जैसे ही ये यहाँ पे गया तो ना सिर्फ इसकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुई एज वेल एज इसकी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी हो रही है और इसकी रोटेशनल ट्रांजिशन भी हो रही है. अगर एक ही तरह की ट्रांजिशन हमारे पास हो तो हमारे पास क्या आता है? लाइन स्पेक्ट्रा. क्योंकि यहाँ पे तीन तरह की ट्रांजिशन हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल. इसीलिए जो हमारे पास यूवी की शेप आती है वो बैंड आती है. रीजन बीइंग ये दिखने में हमें इस तरह से बैंड नजर आता है. जैसे मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर में भी एग्जांपल दी थी कि जब हम हिली एरिया में एंटर करते हैं तो वो जो हिल्स होती हैं वो दूर से हमें इस शेप में नजर आती हैं. जैसे जैसे हम क्लोज जाते हैं तो हमें नजर आता है कि यहाँ पे कोई मंदिर है, कोई हट है. सो व्हाट आई वांट टू से कि अगर हम इस बैंड को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो इसमें ये छोटी छोटी ट्रांजिशन होती हैं. कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, कोई रोटेशनल है, कोई वाइब्रेशनल है. अब हमारे जो स्पेक्ट्रम होते हैं, जो हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, वो इस तरह से बने होते हैं कि वो जो ये फाइन स्ट्रक्चर है, जो छोटी छोटी ट्रांजिशन के कारण ये पीक्स आ रही हैं, इनको बोला जाता है फाइन स्ट्रक्चर. ये जो छोटी छोटी नजर आ रही हैं ऑब्जर्वेशंस. तो ये क्या करते हैं जो हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये इसको एवरेज आउट कर देते हैं. एवरेज आउट करने का मतलब ये आपको नजर ही नहीं आती, आपको ओवरऑल एक बैंड नजर आ जाता है. सो व्हाई, व्हाट इज द कॉज ऑफ बैंड नेचर ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम? द कॉज ऑफ बैंड नेचर ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम इज बिकॉज यूवी स्पेक्ट्रम हमें सिर्फ एक तरह की ट्रांजिशन नहीं शो करता. उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक के साथ वाइब्रेशनल भी है, वाइब्रेशन के साथ रोटेशनल भी है. तो अगर सिर्फ एक तरह की ट्रांजिशन होती हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा आता. क्योंकि तीन तरह की ट्रांजिशन हो रही है तो हर ट्रांजिशन छोटी 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 इस तरह से इतनी पास पास होती हैं कि ओवरऑल हमारे पास ये एक बैंड की शेप आ जाएगी. अब सेकेंड थिंग इज कि ये जो आईआर है इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम वन वाइब्रेशनल लेवल टू अनदर वाइब्रेशन लेवल. तो इस केस में क्या होगा कि वाइब्रेशन के साथ साथ रोटेशन भी आ जाती है. यानी कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप दो तरह की ट्रांजिशन पढ़ते हो, वाइब्रेशन प्लस रोटेशन. इसीलिए इसका नाम है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. और इसीलिए इस केस में क्या है, हमारे पास शार्प पीक्स आती हैं. अगर हम माइक्रोवेव की तरफ जाएं तो माइक्रोवेव का मतलब होता है ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट रोटेशनल लेवल्स ओनली, यानी कि जे टू जे ट्रांजिशन. तो उस केस में सिर्फ क्योंकि एक ही तरह की ट्रांजिशन है तो आपके पास क्या आ जाएंगी, ये आ जाएंगी सिंपल लाइन्स आएंगी, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट बैंड नेचर ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम.